हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक मेकअप ट्यूटोरियल, देन कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें हमारे स्किन को अच्छे तरीके से पैम्पर कर लेना है, यानी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी स्किन एक तो हेल्दी भी दिखती है और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर। तो यहाँ पे मैं पैक का पोर प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। पर्सनली गाइस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला प्राइमर है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसे मैं अपने टी जोन एरिया में अप्लाई कर लूँगी, ताकि जितने भी ओपन पोर्स की मुझे प्रॉब्लम है वो सारे ब्लर आउट हो जाए और मेकअप का जो बेस है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जिससे हमारा जो मेकअप है ये बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। सो इसे मैं अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से डॉटेड फॉर्म में अपने फेस पे, नेक पे अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी। देन मैं एक डैम ब्यूटी स्पॉन्ज के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, ब्लेंडिंग प्रोसेस पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि जितना भी फाउंडेशन हमने अप्लाई किया है हमारे फेस पे वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, ताकि बिल्कुल भी पैची सा, क्रैकी सा ये बिल्कुल भी ना दिखे। इसलिए ब्लेंडिंग प्रोसेस को आपको सबसे ज़्यादा समय देना है, ताकि मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस दिखे और बहुत ही स्मूथ दिखे। तो आपको नेक पे भी जो फाउंडेशन अप्लाई किया था उसे भी आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। सो गाइस, फाउंडेशन अप्लाई हो जाने के बाद अब हम यूज करेंगे कंसीलर। तो कंसीलर मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा कंसीलर है। सो गाइस, कंसीलर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जितने भी हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स है उसे हम हाइड कर ले, और हमारे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसे भी हम हाइड कर सकते हैं। सो कंसीलर जैसे ही हम यूज करते हैं उसे जल्दी से ब्लेंड कर लेना चाहिए, ताकि कंसीलर जो है ये थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, जिस वजह से ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम जाती है। तो जितना फास्ट ये प्रोसेस हो सकता है उतना फास्ट आपको इसे ब्लेंडिंग कर लेना है। सो गाइस, कंसीलर सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हमें ब्लेंड करना है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फाउंडेशन और कंसीलर इन दोनों भी प्रोडक्ट को हमें बहुत आराम से ब्लेंड करना चाहिए। जितना हम ब्लेंडिंग प्रोसेस पे ध्यान देंगे उतना ही फ्लॉलेस हमारा बेस यानी मेकअप दिखेगा। तो गाइस, आपको ब्लेंडिंग प्रोसेस पे हमेशा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और गाइस, जब भी हम कंसीलर और फाउंडेशन अप्लाई करते तो हमारा जो फेस है ये थोड़ा सा वाइट वाइट दिखना शुरू होता है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसे सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और एक बार ये सेट हो गया तो हमारे स्किन टोन के साथ में अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है, ताकि ये हमारे स्किन के साथ अच्छी तरीके से सेट हो जाए। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेबलिन का ड्रीम सेटिंग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लूँगी। गाइस, अगर आपके पास में कोई लूज़ पाउडर है तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है फेस पे, आप वहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर या फिर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का। सो गाइस, अभी मैं आईब्रोज को फिल करूँगी। तो जितना भी फाउंडेशन कंसीलर हम लोग यूज़ करते हैं वो कुछ प्रोडक्ट जो है वो आईब्रोज में भी लग जाता है, जिस वजह से हमारे आईब्रोज जो है वो इतनी हाईलाइट नहीं होती है। तो हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने जो आईब्रो पेंसिल पे स्पूली दी हुई रहती उससे मैंने अपने हेयर्स को सेट कर लिया। उसके बाद में मैं आईब्रोज को अच्छे तरीके से फिल कर लूँगी, और हमेशा हमें जो आईब्रो पेंसिल है ये नेचुरल कलर की, यानी कि यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल का यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगती, बहुत ही नेचुरल लुक देता है। तो आईब्रोज को
फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही आपका आईब्रोज फील हो जाता है, आपको उस फुली हेल्प से अच्छे से हेयर्स को सेट कर लेना है। सो गाइस, अब करेंगे हम आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मिनी आई शेडो पैलेट यूज़ किया। गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है, बहुत ही प्यारा आई शेडो पैलेट है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रांजिशन शेड पिक किया है और ब्रश के हेल्प से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी अपने क्रीज पे। सो गाइस, मैं भूल गई थी पेपर टेप लगाना, और पेपर टेप लगाने से बहुत ही अच्छा आई मेकअप लुक आता है। तो अब मैं ट्रांजिशन शेड से क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्रश के हेल्प से, और अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है। सो अब मैं सेम पैलेट से एक डार्कर शेड पिक कर लूँगी और अपने आई के आउटर कॉर्नर पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। सो ब्लेंडिंग प्रोसेस आपको जारी रखना है और अच्छे तरीके से ब्लेंड करते रहना है। मैं सेम पैलेट से एक गोल्डन शेड पिक कर लूंगी और ये शिमरी शेड है, और अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से आईलिड के सेंटर से इनर कॉर्नर तक के मैं इसे अप्लाई कर लूंगी गाइस। और इसका पिगमेंटेशन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है। और ये जितने भी शिमरी शेड्स होते हैं ना, ये अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। और इस आई शेडो पैलेट के जितने भी आई शेडो कलर्स है, ये बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत ही ईजीली अप्लाई हो जाते हैं और ब्लेंड भी हो जाते हैं। सो इसी तरीके से मेरा आई शेडो अप्लाई करके हो चुका है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर। तो यहाँ पे मैंने स्टेक वेकी का मैट फिनिश लुक वाला आईलाइनर अप्लाई किया है। ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है, बहुत ही पिगमेंटेड आईलाइनर है, और इसका जो एप्लीकेटर है ना, ये बहुत ही ईजी कर देता है आईलाइनर को अप्लाई करने के लिए। अगर आप बिगनर है तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। सो आईलाइनर अप्लाई करके हो चुका है और अब मैं टेप को रिमूव कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। सो इसी तरीके से मैंने मेरे लेफ्ट आई का भी मेकअप कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने शुगर का काजल यूज़ किया है जो कि बहुत ही पिगमेंटेड है, और मैंने ऑफ कैमरा आईलैशेस अप्लाई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो आँखों का जो लुक है, ये बहुत ही एनहांस हो जाता है। सो अब मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ नेल्फ यूएसए का, और ये भी बहुत ही पिगमेंटेड और नेचुरल लुक देने वाला ब्लश है। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, और ये है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। ये बहुत ही पिगमेंटेड हाइलाइटर है, और इसे मैं अपने ब्रो बोन, चिक बोन, नोज़, जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइटर लगाना पसंद है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं चिक बोन पे, नोज़ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, और ये भी हाइलाइटर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हाइलाइटर है। सो मैं बहुत समय से इस हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, हाइलाइटर अप्लाई हो जाने के बाद बारी आती है लिपस्टिक अप्लाई करने की। तो मैंने यहाँ पे लॉरियल पेरिस का रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक का यूज़ किया है। इसका जो शेड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए गाइस। इस लिपस्टिक की जो कंसिस्टेंसी है, ये बहुत ही वाटरी फॉर्म में है, और इसका जो डो फुट एप्लीकेटर है, जिससे आप अपनी लिपस्टिक को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी लिक्विड लिपस्टिक है ये, और आप देख सकते हैं मेरा लुक जो है ये यहाँ पे तैयार हो चुका है। मेरा ये मेकअप लुक कैसे लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ़।